सुप्रभात मित्रों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुल ई स्कूल पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती पर दर्ज की गई FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। कोरोना महामारी के बीच सितंबर में होने वाली अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सरकार की दलील है कि छात्र परीक्षाएं टाले जाने की धारणा न बनाएं, वह अपनी पढ़ाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने PCS 2019 की मुख्य परीक्षा को 25 अगस्त से आगे बढ़ाकर 22 सितंबर को और ACF RFO 2020 की मुख्य परीक्षा को 19 सितंबर से आगे बढ़ाकर 15 अक्टूबर को कर दिया है। अगली खबर अनएडेड प्राइवेट स्कूल से संबंधित है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट का सामना करने वाले अभिभावकों को फीस में 20% तक की माफी की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारी व मेडिकल व्यवसाय से संबंधित अभिभावकों को यह छूट नहीं मिलेगी। ईद उल अजहा के मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अन्य प्रमुख नेताओं ने बधाई देते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव उपायों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। अगली खबर नेपाल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के हजारा थाना क्षेत्र के टाटरगंज और टिल्ला नंबर 4 के मध्य भारत नेपाल सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय पिलर 38 व 39 के बीच नो मैंस लैंड एरिया में नेपालियों द्वारा कराया जा रहा सड़क निर्माण का कार्य रोक दिया गया। उत्तराखंड के दारचूला जिले के लिम्पियाधुरा काला पानी के साथ कुटी गुंजी और नाभी को भी नेपाल ने अपना बताया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्र आज से भरे जाएंगे। यह आवेदन फॉर्म 5 नवंबर तक ही वेबसाइट पर जाकर भरे जा सकते हैं। अगली खबर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को समिति की घोषणा की, जिसमें पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग व पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह शामिल हैं। कल देश में कोरोना संक्रमितों के मामले 55,000 से ज्यादा आए हैं व कुल मामले 16,70,000 के पार पहुंच गए हैं। कल गुरुकुल स्पेशल्स की तरफ से राम मंदिर की कहानी का दूसरा और अंतिम भाग रिलीज कर दिया गया है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।